नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, थोड़ी सी काली मिर्च इधर गिरा दो, बड़े से बड़ा, चालाक से चालाक आपका कोई भी शत्रु हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी वजह से आप परेशान हैं, चिंता में हैं, वक्त बेवक्त बार बार आपको परेशान करता है, आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है और रखता है बुरी सोच, बुरी धारणा, आपका अहित चाहता है, आपका बुरा चाहता है। मित्रों, एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय, बहुत ही शक्तिशाली टोटका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आप कर लें। मात्र 6 काली मिर्च के दानों के द्वारा ये उपाय हो जाता है और इसे करते ही आप देखेंगे आपका वो शत्रु, आपका वो दुश्मन धराशायी हो जाएगा। ऐसा स्वाहा हो जाएगा मित्रों कि किसी काम का नहीं रहेगा, चारों तरफ से मुसीबतें, परेशानियां उसे ऐसा घेर लेंगी कि वो फिर कभी उनमें से निकल नहीं पाएगा। आपका बुरा सोचना तो बहुत दूर की बात, वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं सकेगा। यहाँ तक कि उसके अपने भी उससे मुंह फेर लेंगे और वो कभी जीवन में किसी का प्यार नहीं पा सकेगा। उपाय को शुरू करने से पहले मित्रों ये बात विशेष तौर पर जान लें कि जिस दिन भी आप इस उपाय को करें उस दिन मांसाहार ना करें। कहने का मतलब मांस मच्छी आदि कुछ ना खाएं। आपने क्या करना है, इस उपाय को सप्ताह में आप शुक्रवार का दिन छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय को शुरू करने से पहले स्नान कर लें, यदि किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें। एक स्थान पर दक्षिण या पश्चिम की ओर, यानी या तो साउथ की ओर या फिर वेस्ट की ओर मुख करके बैठ जाएं। कोई भी आसन कपड़ा बिछा लें। बैठते समय जैसा कि बताया 6 काली मिर्च के दाने आपने अपने पास रखने हैं। एक आप सफ़ेद रंग का कागज़ रखेंगे, उस कागज पर आपने सबसे पहले काले रंग से, स्केच पेन हो, मार्कर हो, पेन हो, काजल हो, कुछ भी हो, उसका नाम लिख देना है। नाम जो आप लिखेंगे उसके नीचे आप एक छोटा सा कांटे का निशान बनाएंगे और साथ में आप संख्या 3 लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जो काली मिर्च के दाने हैं उसमें से 3 दाने इसके अंदर रख देने हैं और कागज़ को रखते हैं सामने। कहने का अर्थ है सामने की ओर कागज रखें और 3 दाने इसके ऊपर रख दें। 3 बचे शेष दानों को, एक दाना अपनी सीधी ओर, आप पालती मारकर पलाश मारकर बैठे हैं, जो आपका सीधा घुटना है उसके नीचे की ओर रख दें जमीन पर। 2 दाने अपने उल्टे हाथ पर, जो आपका बायां हाथ है, आपका लेफ्ट हैंड है, उसकी हथेली में बंद कर लें। वो ठीक को कसकर बंद करें, जितना कसकर आप कर सकते हैं, और उस पर आप 3 बार फूंक मारें। उसे 3 बार अपने ऊपर वार लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपके दिल करे उल्टा या सीधा आप वार लें। और उसके बाद आपने आंखें बंद ही रखनी है। उस इंसान को सोचना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उसको सोचते हुए जब आप उसको पूरे तरीके से सोच लें, उसकी तस्वीर अपने मन में ले आए, जो भी रोष, जो भी गुस्सा है, आप उस तरीके से उसे सोचें, और उसके बाद जब उसका चेहरा आपको दिखने लगे मन में, आपने क्या करना है, एक मंत्र उच्चारित करना है, ओम क्षौभ्य क्षौभ्य शत्रुनाशाय फट स्वाहा। ओम क्षौभ्य क्षौभ्य शत्रुनाशाय फट स्वाहा। शत्रु के बाद आपने उस अपने शत्रु का नाम लेना है, जैसा नाम आपने कागज पर लिखा है वैसा ही नाम लेना है, मुख्य नाम, प्रमुख नाम। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 2 दाने आपके हाथ में रखे इन्हें आप जो कागज रखा है उस पर रख दें, उसकी बना लें पुड़िया। और जो 1 दाना आपके पास रखा है, जो आपने पैर के बगल में रखा है अपने सीधे घुटने के नीचे, उसको निकालें, उसको अपने सीधे हाथ पर ही रखें, पुड़िया को उल्टे हाथ पर उठाएं, घर से बाहर निकल जाएं। घर से बाहर निकलने के बाद जो पुड़िया है या तो आप मिट्टी में दबा दें या उस पुड़िया को आप किसी नाले नाली में डाल दें, ना हो कूड़े में डाल दें। जो 1 काली मिर्च का दाना है मित्रों, इसका आपने क्या करना है, इसको आप किसी वृक्ष के पास चले जाएं, पेड़ हो पौधा उसके पास चले जाएं, लेकिन घर से दूर, घर से लगभग 13 से 14 कदम आप दूरी पर होने ही चाहिए, अधिक आप कितना भी चले जाएं। इस काली मिर्च के दाने को आप ज़मीन पर रखें, इसके ऊपर अपना उल्टा पैर रखें और 3 बार अपने शत्रु का नाम लेकर पैर हटाएं और थूक दें एक बार, उसके बाद वापस घूमें, घर के लिए आ जाएं। आपने पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना उस ओर जिस ओर आपने काली मिर्च के दाना गिराया है, घर के लिए आ जाएं। घर आने के बाद जब आप अपने घर की दहलीज पर हों, आपने वो जो चप्पल जूते जो भी पहने हैं जाते समय
उनको आप बाहर ही उतार दें, घर के भीतर जाएं, हाथ मुंह पैर फिर एक बार साफ से धो लें, वापस बाहर आएं तब आप चप्पल ले जाएं, और हो सके तो बाहर चप्पल को धोएं, हो सके तो अंदर धो लें, उसके बाद ही उसे दोबारा इस्तेमाल करें। बस मित्रों, ये सरल सा आपने उपाय कर लिया, आप देखेंगे आपका वो शत्रु, वो दुश्मन बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा, वो सिर उठाकर आपकी ओर कभी नहीं देख सकेगा। मित्रों, आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि पसंद आई हो, उपाय यदि पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अब दें आज्ञा, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, नमस्कार।